कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए आप देखा यहाँ पे आपको क्या निकालना है। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मोड होता है और मीन मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मीन होता है आपको। ठीक है, ये चीज़ें आपको निकालनी है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर डाटा गिवन है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर है एक्सपेंडिचर इन रुपीस, दूसरा हमारे पास गिवन है F5, नंबर ऑफ फैमिलीज। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? F5 से। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1000 से 2000, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, आप ऐसे भी बोल सकते हो, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000, यानी 5000। ठीक है बच्चे, ये हमने निकाल लिया। अब नंबर ऑफ़ फैमिलीज हमारे पास क्या क्या गिवन है, 24, 40, 33, 28, फिर 30, 22, 16 और 7, ये हमारे पास गिवन है बच्चे। तो देखिए हम अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, यहाँ पर XI निकालते हैं। तो XI बच्चे मैंने आपको कैसे बताया था, XI निकलता है हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है बच्चे, तो हम दोनों को प्लस करते हैं, 1000 प्लस में 1500। देखिए अगर हम प्लस करते हैं तो 1000 प्लस में 1500, 2500 आ गया। इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 2 2 2 4 2 5 10 और ये 0, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर 1250। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट कितना है, 1500 और 2000, तो 1500 और ये है हमारे पास 2000, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3500, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2 2 7 14 2 5 10 और 0, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1750। देखिए दोनों में कितने का गैप है, 500 का, तो हर एक में अब आपको 500 का गैप ही मिलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्लास साइज है उसमें 500 का गैप पूरा सब में सेम है। तो अब हमारे पास इसमें 500 प्लस कर देंगे, 2250, फिर 2750, 3250, 3750, 4250 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4750। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम पहले ऐसा करते हैं इसमें, क्योंकि देखिए हमारे पास जो टर्म्स हैं, नंबर्स जो आए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, हम इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, DI इज इक्वल टू XI माइनस में A, और एज्यूम मीन हम यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, एज्यूम मीन हम ले लेते हैं यहाँ पर 3250। ठीक है बच्चे, तो लिख लेते हैं, लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू 3250, और H जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 500। तो XI माइनस A 1250 माइनस में 3250, तो देखिए बच्चे इसको माइनस हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा देती हूँ आपको, कितना है शुरू में 1250 माइनस में 3250, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कर लीजिए माइनस 3250 माइनस में 1250, 0 0 0 और ये 2, लेकिन यहाँ पर माइनस की टर्म बड़ी है तो यहाँ पर माइनस में 2000। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद जब हम माइनस करेंगे, देखिए सब में 1500 का गैप आपको दिख रहा है, सॉरी 500 का गैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो अब हम जब इसमें से माइनस करेंगे 3250 में से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस में 1500, फिर माइनस में 1000, फिर माइनस में
500, और 3250 में से 3250 को माइनस करेंगे तो ज़ीरो। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 500, फिर यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 1500। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये हमने DI निकाली है, अब हम इससे UI निकालते हैं। UI क्या होता है? DI अपॉन में H। H हमें पता है 500 है, हम इसे 500 से डिवाइड करते जाते हैं। अगर हम देखिए बच्चे करके दिखा देते हैं, ये भी हम आपको माइनस में 2000 है, इसको अगर हम 500 से डिवाइड करेंगे, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल आउट हो गई, 5 4 20, तो माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, क्योंकि 15 बचेगा, ज़ीरो से दो ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 3 15, यहाँ पर 10 बचेगा माइनस 2, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 1, और ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3, ये हमारे पास टर्म्स जो है इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब हम निकालते हैं इसमें FIUI। FIUI क्या है हमारा? FI 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारी टर्म्स FI हैं, ये हमारी UI आ गई हैं, तो 24 4 जा यहाँ पर आ जाएगा 96 और माइनस का, फिर है 43 जा तो माइनस का 120, 33 2 जा तो माइनस का 66, 28 1 जा 28, 30 0 जा तो यहाँ पर 0, 22 1 जा तो ये आ गया 22, 16 2 जा यहाँ आ गया हमारे पास 32, और फिर 7 3 जा तो ये आ गया हमारे पास 21। ठीक है बच्चे, देखिए समीशन ऑफ FI निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। समीशन ऑफ FI हमारे पास क्या है, सबको प्लस करते हैं, 4 + 3 7 7 8 15 15 और 2 17 17 और 6 23 और 7 30 का 0, कैरी 3 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 3 17 19 20, तो ये है हमारे पास समीशन ऑफ FI, हमारे पास आ गया 200। अब देखिए FIUI में तो हमारे पास माइनस की टर्म्स भी हैं पॉजिटिव, तो माइनस माइनस सब प्लस कर लेते हैं, साइन माइनस का इनको यहाँ पे प्लस करके माइनस ऐसे प्लस करके लिख लेते हैं, साइन माइनस लगा दिया, 6 + 6 12 12 + 8 20 का 0, कैरी 2 9 + 2 11 11 + 2 13 13 + 6 19 19 + 2 21 का 1, कैरी 2 + 1 300 10, ये हमारे पास आ गया है। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, 2 2 4 और +1 5 3 + 2 5 + 2 7, तो ये आ गया हमारे पास 7। तो समीशन ऑफ FIUI हम 310 में से 75 माइनस कर देते हैं, तो देखिए माइनस करेंगे 5 बचेगा यहाँ पर, फिर 10 10 - 7 3 और यहाँ पर 2 बच गया, और ये माइनस का टर्म, माइनस की टर्म है, तो समीशन ऑफ FIUI हमारे पास क्या है, माइनस में 235। अभी हमने यहाँ पे एज्यूम मीन बताया है बच्चे, तो हम पहले यहाँ पर एज्यूम मीन ही निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ FIUI ए प्लस में समीशन ऑफ FIUI अपॉन में समीशन ऑफ FI मल्टीप्लाई में H। तो ए बच्चे हमारे पास यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था, 3250 प्लस में समीशन ऑफ FIUI है हमारे पास माइनस में 235 अपॉन में समीशन ऑफ FI है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई में 500, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3250 प्लस माइनस तो माइनस, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जो 25 का 5, 2 5 3 जो 15 और 2 17 का 7, कैरी 1 5 2 जो 10 और 11, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3250 माइनस में, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जो 10, 2 8 जो 16, 2 7 जो 14, पॉइंट में 5, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए बच्चे दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 3250 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है आपके पास, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर 587 वो पॉइंट के राइट की तरफ है, राइट की तरफ लिखेंगे, पॉइंट के लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ है, हम लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, राइट की तरफ सिर्फ 5 है, अब उसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी जाएगा 10 हो गया 5, 9 - 7 2, तो यहाँ पे 4 है, कैरी जाएगा 14 - 8 6, और यहाँ से 11 - 5 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब ये हमारा जो मीन है वो कितना आ जाएगा,
2662.5, ये हमारा मीन निकल गया है। ठीक है बच्चे, अब हम निकालते हैं इसमें मोड। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको, 40 है। तो हम लिखते हैं द क्लास 1500 to 2000 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमारा एल क्या हो जाएगा बच्चे, लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास 1500। देखिए इसमें बता देते हैं एक बार, ध्यान से देखते हैं, 40 उसकी लोअर लिमिट 1500, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये इससे ऊपर वाला हमारा F0 और इससे नीचे वाला हमारा F2। F0, F1, F2, देखो आपको जैसे 0, 1, 2 होते हैं ना काउंटिंग, इस तरीके से ही आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो L हमने बता दिया है हमारे पास 1500 है, H हमारा 500 है, F1 हमारे पास 40 है, F0 24 है सॉरी, और F2 हमारे पास 33 है। ठीक है बच्चे, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं सब में मोड का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस में F0। बच्चे फॉर्मूले आप बार बार लिखोगे, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है बच्चे, वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। L क्या है हमारे पास 1500 प्लस में F1 कितना है हमारे पास 40 माइनस में 24 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 40 माइनस में 24 माइनस में 33 मल्टीप्लाई में 500। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ से 1500 प्लस में ये आ जाएगा 6, 42 जा 80 माइनस में ये आगे हमारे पास 57, दोनों को 24, 33 दोनों माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस होता है, हमने नंबर्स प्लस कर दिए साइन माइनस, मल्टीप्लाई में 500। तो इसको हम लिख सकते हैं 1500 प्लस में 6 अपॉन में 80 में से 57 जब हम माइनस करेंगे तो बच्चे 23 और मल्टीप्लाई में 500। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1500 प्लस में 5 6 30 और ये 2000 एज इट इज़, नीचे 23। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 आ रहा है, हाँ तो 16 5 जा 80, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, डिवाइड बाय 23 है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे पहले 1500 एज इट इज़ प्लस में, तो शुरू में किस पे जाएगा 23 3 जा, तो हमारे पास हो जाएगा 69, तो 3 पे चला गया तो 11 बच गया, 110 हो गया है। अब हमारा किस पे जाएगा ये 110, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 82, तो 110 में से अगर हम 82 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 और यहाँ पे बच गया हमारे पास 10, 28 बचेगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, हाँ यहाँ पर 9 आ रहा है ना बच्चे, तभी मैं कहूँ कैसे हो गया ये, तो 18, तो ये हमारा जाएगा 4 पे। ठीक है बच्चे, तो अब 18 बच गया, पीछे 0 लग जाएगी तो 180 हो गया। अब हमारा ये किस पे जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13 वो तो छोटा हो जाएगा, 7 पे देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और ये 16, तो अभी हमारे पास 19 बचेगा यहाँ पर, तो ये गया है 7 पर पॉइंट। अब हम पॉइंट के बाद 19 बचा है तो ये 0 हो जाएगा, तो लगभग ये 8 पे जाएगा। ठीक है बच्चे, मैं पॉइंट के बाद एक ही नंबर तक निकाल रही हूँ, तो अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। प्लस हम कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। देखिए 1500 है तो पॉइंट के बाद 10 है, यहाँ से 347 पॉइंट में 8, 8 पॉइंट में 7 4 8 1 8। और बच्चे इसके एक और टर्म अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि दो टर्म तक निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपके पास 3 लगभग इस नंबर पे जाएगा। ये पीछे से आंसर मैच करने की बात हो जाती है बच्चे, तो अब दोनों को प्लस करेंगे हम, तो प्लस करके हमारे पास आया है 1847.83। ये हमारा आंसर हो जाएगा मोड का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।